और बड़ी खबर आ रही है जहां पे मशहूर गायक एपी ढिल्लो के घर पर फायरिंग की खबर निकल के सामने आ रही है। मशहूर सिंगर एपी ढिल्लो के घर पर फायरिंग हुई है। कनाडा में एपी ढिल्लो के घर पर गोलीबारी की खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे घर के बाहर फायरिंग की गई है। हालांकि बाकी क्या जानकारी है वो निकल के अभी आनी बाकी है। फिलहाल बड़ी खबर ये कि मशहूर गायक एपी ढिल्लो के घर पर फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाले लोग कौन है, उनका उद्देश्य क्या था, इस सारी जानकारी भी निकल के सामने आ रही है। फिलहाल सृष्टि, कनाडा में एपी ढिल्लो के घर पर ये फायरिंग की खबर निकल के सामने आ रही है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, मशहूर गायक एपी ढिल्लो के घर पर फायरिंग की गई है। हालांकि क्या वजह रही है कि लोगों ने ये फायरिंग की है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, जानकारी आना बाकी है। कनाडा के वैंकूवर में घर के बाहर ये फायरिंग की खबर अभी मिल रही है। अपडेट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि एक गायक एपी ढिल्लो के घर पर, यहाँ पर मशहूर गायक हैं, पंजाबी इंडस्ट्री के पंजाबी गाने गाते हैं, और इनके घर पर गोलीबारी की गई है। कनाडा के वैंकूवर में इनका घर है, जहाँ पर ये फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं, और उसके फायरिंग का वीडियो भी जो है वो सामने आया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से फायरिंग की गई है। हालांकि कौन लोग थे, क्या वजह थी, ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल हैं। ये मशहूर गायक हैं एपी ढिल्लो, जिनके घर के बाहर वो भी कनाडा में फायरिंग की गई है, क्या कुछ वजह रही है ये जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार ये हमला क्यों किया गया, इसके पीछे की क्या वजह रही और कौन लोग थे इस हमले के पीछे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपका एपी ढिल्लो की, और इनके घर के बाहर जो है वो फायरिंग की गई। कनाडा के इलाके में घर है इनका, और घर के बाहर जो है वो फायरिंग की गई है। कई राउंड की फायरिंग की खबर निकल के सामने आ रही है। वैंकूवर और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी ललित का। ललित, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि कौन लोग हैं और गोलीबारी के पीछे की वजह क्या, कुछ साफ हो पाया है? देखिए, फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि ये 1 सितंबर की घटना है, और इस 1 सितंबर की घटना में जो पंजाबी गायक है एपी ढिल्लो, उनके घर के बाहर है वो फायरिंग हुई है, और जिसकी जो जिम्मेवारी है वो रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उसने ली है। फिलहाल लगातार इस पूरे मामले को लेकर है वो जांच है वो चल रही है, लेकिन ताबड़तोड़ जो गोलियाँ हैं वो चलाई गई है, जो मशहूर पंजाबी जो गायक है एपी ढिल्लो, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर है जांच लगातार की जा रही है। लेकिन सीधे तौर पर अगर इस पूरी घटना की बात करें तो इस पूरी घटना की जो जिम्मेवारी है वो रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो ले रही है। जी, तो बड़ी खबर निकल के सामने ललित की, जिस तरीके से ये जो मशहूर गायक है पंजाब के, उन पर ये फायरिंग की खबर निकल के सामने आ रही है। जैसा आपने जिक्र किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की के पीछे होने की खबर निकल के सामने आ रही है, तो सिद्धू मूसेवाला के बाद से ये बड़े सिंगर पंजाब से निकल के आते हैं और जो कनाडा में रहते हैं, जहाँ पे उनके घर के बाहर फायरिंग की गई है, तो अपने आप में ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। और क्या इस पूरे मामले को लेकर के कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही है? देखिए, अगर वजह की बात करें तो सीधे तौर पर जो जितने भी बड़े गायक होते हैं ख़ास तौर पर पंजाब के, उनसे जो फिरौती है, ख़ास तौर पर जो पैसा ऐंठने की कोशिश है वो गैंगस्टर द्वारा की जाती है, और लगातार इस तरह के कई मामले पहले भी आए हैं। लगातार कई पंजाबी बड़े गायक हैं वो इस मामले इस बाबत है वो शिकायत कर चुके हैं, ख़ास तौर पर लगातार उनके ऊपर इस तरह के थ्रेट्स है वो आते रहते हैं, लगातार उनको इस तरह की जो गैंगस्टर की तरफ से लगातार धमकियां है वो मिलती रहती हैं। और सीधे तौर पर अगर इस मामले को भी देखें तो इस मामले को लेकर भी कहीं ना कहीं जो लॉरेंस बिश्नोई है और जो गोदारा है उस गैंग के शामिल होने, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है वो ली गई है। सीधे तौर पर फिरौती यानी पैसे ऐंठने का पूरा जो ये गैंग है वो लगातार चलता रहता है, जिसके चलते जितने भी बड़े पंजाबी गायक है या फिर अगर हम उसके साथ साथ एक्टर्स की बात करें तो लगातार इस तरह की धमकियां है इनको मिलती रहती है। और ख़ास तौर पर जितने भी पंजाबी गायक है या फिर हम उन एक्टर्स की बात करें जो लगातार बाहर कनाडा है या फिर ऑस्ट्रेलिया है या फिर विदेशी धरती पर लगातार या तो गायकी करते हैं या फिर एक्टिंग करते हैं, खासे तौर पर जिनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग होती है उनको लगातार इस तरह की धमकियां है वो मिलती रहती है।
फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर है जरूर जो जिम्मेवारी है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग। बिल्कुल ललित, आप लगातार जो बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये जिम्मेदारी यहाँ पर ली है, और इसी के साथ में साहिल भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी साहिल। सिद्धू मूसेवाला के बाद से ही जो ये तमाम खबरें हैं वो निकल कर आने लगी, किस तरीके से उनकी हत्या की गई, गोली मारकर जान से मार दिया गया, और उसके बाद अब ये दूसरा सिंगर है जिसके घर के बाहर गोलीबारी की गई है। क्या अपडेट है, एपी ढिल्लो है कहां, क्या कनाडा में मौजूद हैं, किसी कॉन्सर्ट या शो के लिए वहां थे या फिर वो भारत में है, कुछ अपडेट मिल रहा है? जी देखिए शुरुआती जांच में यही पता चल रहा है कि एपी ढिल्लो जो कि पंजाबी गायक है उनके कनाडा के आवास पे जो है गैंगस्टर ने फायरिंग की है, और शुरुआती जांच में यही लग रहा है कि गैंगस्टर गोल्डी बरार ने इस पूरी फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, क्योंकि ये पूरा जो नेक्सस है अभी से नहीं एक लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि पंजाबी सिंगरों को टारगेट किया जाता है, उनके आवास पर फायरिंग की जाती है, फिर उनसे करोड़ों रुपये की एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती है। ऐसा पहला मामला नहीं है कि किसी पंजाबी गायक के घर के बाहर फायरिंग की है, इससे पहले का इतिहास उठा के देखे थे पंजाबी सिंगर और भी हैं जो कि पंजाब के अलग अलग जिले में रहते हैं, उनके घर की ओर फायरिंग होती है, उनको फोन करके उनको एक्सटॉर्शन मांगी जाती है। तो ये पूरा नेक्सस जो है काफी समय से चल रहा है, और ये माना ये जा रहा है कि गोल्डी बराड जो कि विदेश में छिपा हुआ है और इस पूरे गैंग को ऑपरेट करता है, और इसके नीचे जो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो इस समय गुजरात के साबरमती जेल में मौजूद है वहीं से अपने पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करता है, और आखिर में नाम आता है गैंगस्टर रोहित गोदारा जो कि विदेश में छिपा हुआ है और वहीं से अपने नेक्सस को ऑपरेट करता है। और ये माना जा रहा है कि एपी ढिल्लो जो पंजाबी गायक है इससे भी एक्सटॉर्शन मंगी मनी जो है वो मांगी हो सकती है, ना देने पर उनके घर की फायरिंग की जाती है। अब कहीं ना कहीं जांच एजेंसी है जो इस मामले में जांच कर रही है, हालांकि बात करें इंडिया की तो इंडिया में भी कुछ ऐसे पंजाबी गायक हैं जो अलग अलग अपने घरों में रहते हैं, उनको भी कॉल करके गोल्डी बराड़ द्वारा करोड़ों की एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती है, लेकिन जो जांच एजेंसी है साफ तौर पर यही कहती है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कई गैंगस्टरों को जो है पुलिस हिरासत में भी लेती है, लेकिन अब इस पूरे नेक्सस में क्या खुलासा होता है, क्या विदेशी जो गैंगस्टर वो इनके संपर्क में आते वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि तिहाड़ जेल में भी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की कुछ जो खास गुर्गे हैं वो इस समय बंद है, और माना यह जा रहा है कि जल्द उनको भी पुलिस जो है हिरासत में लेके इस पूरे मामले में जो है वो पूछताछ कर सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है एक जांच एजेंसी है जो कि गैंगस्टरों पर लंबे समय से काम करती आ रही है, इस बारे में भी उनके पास इनपुट जरूर होगा, तो इस इनपुट के आधार पर जल्द पुलिस जो है जो तिहाड़ जेल में गैंगस्टर बंद है लॉरेंस बिश्नोई के उनसे इस मामले में पूछताछ कर सकती है, किसके कहने पर फायरिंग हुई है, कितने करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई थी, और इस पूरे नेक्सस में और कौन कौन शामिल है जो कि विदेश में बैठ के इन पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करता है। जी तो शायद यही वजह है कि जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर आ गई हैं। हालांकि बड़ी बात दरअसल ये कि सिद्धू मूसेवाला के बाद अब एपी ढिल्लो और यहां पर किस तरीके से जिस तरीके से हमला हुआ है, सबसे बड़ी खबर दरअसल ललित आपके पास मैं आना चाहूंगी जानने के लिए कि आखिर सिद्धू मूसेवाला के बाद ये जो बड़ा हमला हुआ है, एपी ढिल्लो फिलहाल है कहां पर, उनकी सिचुएशन क्या है, क्या वो सेफ है, वो कनाडा घर पे मौजूद थे या फिर नहीं थे, उनकी लोकेशन आखिर है कहां पर, क्या वो सेफ है, उनके जो प्रशंसक है वो भी जानना चाहते होंगे। देखिए फिलहाल अगर एपी ढिल्लो की बात करें तो वो कहाँ पर है उसको लेकर है फिलहाल अभी कोई जो बातचीत है वो सामने नहीं आई, लेकिन सीधे तौर पर जो जानकारी मिल रही है बताया यही जा रहा है कि एपी ढिल्लो हैं वो पूरी तरह से फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें क्योंकि जिस तरह से एपी ढिल्लो के घर के ऊपर है ताबड़तोड़ जो गोलियां चलाई गई है, सीधे तौर पर जो एक्सटॉर्शन मनी होती है यानी कि लगातार जिस तरह से जो गैंगस्टर्स है वो धमकियां देते हैं, पैसे ऐंठने की कोशिश है वो लगातार इन गायकों से करते हैं, और ये कोई पहला मामला नहीं, इस तरह की जो धमकियां है, इस तरह की थ्रेट्स है वो लगातार पहले भी मिलती आई है, और इसको लेकर बाकायदा है चाहे पंजाब पुलिस हो या फिर एजेंसीज है, पहले भी लगातार इस बारे में चेताया जाता है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये नेक्सस रहता है और इस पूरे मामले को लेकर है जो गैंगस्टर्स है काफ़ी सक्रिय रहते हैं, लगातार आपस की दुश्मनी और उसको लेकर है जो पैसा है वो जो सिंगर्स होते हैं जो गायक होते हैं उनसे ऐंठते हैं। अगर हम पुरानी बात करें जिस तरह से जो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पूरा मामला प्रकरण हुआ था तो उसमें भी जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की अहम भूमिका रही थी, किस तरह से उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को उड़ाया था, और उनके जो गुर्गे हैं वो लगातार हर जगह पर फैले रहते हैं और इस तरह से जो धमकियां है वो लगातार देते रहते हैं, यानी
पूरा का पूरा इनका एक नेक्सस है। और अगर हम एपी ढिल्लों की बात करें, इससे पहले एक और पंजाबी गायक है, उन्होंने भी इस बाबत है चंडीगढ़ में जो एसपी है उसको शिकायत की थी। तो लगातार मनकीरत औलत उनका नाम था, तो यानी लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार आते रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी कहीं ना कहीं फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया ये जा रहा है कि एपी ढिल्लों है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर है जो जांच एजेंसीज है वो लगातार काम कर रही है, इसके पीछे का क्या मकसद है उसको लेकर एजेंसीज है वो काम कर रही है। लेकिन इसकी पूरी जो जिम्मेवारी है वो गोदारा और साथ में जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसके द्वारा ली गई है। क्या ये पूरा मामला है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद धीरे धीरे जो चीजें हैं वो और सामने। बिल्कुल ललित, जैसे आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ सामने आएगा, लेकिन जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी और उसके बाद ये दूसरे गायक है जिनके घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है।